अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दूध की कड़ी में पेंडा। पेंडा मीन्स मली हुई रोटी, हमारे पश्तों में बोलते हैं इसको पेंडा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के ज़बान में क्या बोलते हैं, वैसे मुझे इतना पता है कि मली हुई रोटी बोलते हैं। तो ये बहुत झटपट बन जाता है। अगर किसी को भी भूख लगी और आपका खाना पकने में बहुत टाइम हो तो ये चंद ही मिनटों में बहुत ज़बरदस्ती डिश तैयार हो जाती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल, यानी तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला। फिर इसमें ऑनियन डाले, हाफ ऑनियन डाला। हाफ ऑनियन हम तड़के के लिए रखेंगे और हाफ ऑनियन हम इसमें पहले ही डाल देंगे। ये अच्छा जी, ये अब आप देख रहे हैं ओनियन पूरे गोल्डन नहीं करना, प्याज को हल्का सा बस, जैसे ही प्याज भुज जाए तो इसमें हमने बहुत कम मिकदार में, जैसे हाफ टी स्पून नमक डालना है। इतना कम नमक क्यों डालना है वो मैं फिर आपको बताती हूँ आगे जाके। और इसमें हाफ टी स्पून टर्मेरिक यानी हल्दी डालना है। और इसमें डालना है हमें हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें। और इसके साथ साथ हमें कोई भी चिकन क्यूब या चिकन स्टॉक अगर घर में पड़ा हुआ, अक्सर फ्रिज फ्रीजर में होता है, तो भी डाल सकते हैं। ये चिकन क्यूब ऑप्शनल है, अगर हो तो सही है, नहीं तो चिकन पाउडर, चिकन स्टॉक कुछ भी आप डाल सकते हैं, या पहले से पका हुआ चिकन थोड़ा सा हो, मतलब और कुछ नहीं। वैसे तो ये डलता नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को, बड़ों को आजकल सबको बहुत ही ज़्यादा चिकन पसंद है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं तो ये चिकन नहीं डलता, इसमें चिकन क्यूब जो है ये नहीं डलता, लेकिन हम डाल लेंगे कोई बात नहीं। और इसमें थोड़ा सा पानी, इतना कि चिकन क्यूब जो है इसमें डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आप डालेंगे, ये देखें, दूध, एक गिलास दूध, एक गिलास दूध और एक गिलास पानी डलता है इसमें। आपकी मर्ज़ी है, पैकेट वाला गिलास दूध डालते हैं, डब्बे वाला, टेट्रा पैक वाला कोई सा भी, या खुला दूध जो आपके घर में इस्तेमाल होता, गाय भैंस बकरी कुछ भी। तो ये दूध और एक गिलास पानी आप डाल देंगे और फिर इस सबको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। जब ये उबाल आ जाए फिर क्या करना है आपको बताते हैं आगे। अच्छा जी, ये आप देखें, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है दूध की कड़ी में। अब इस स्टेज पर आप जो भी आपकी रोटी हो, तंदूरी, ख़ास तौर से नान जो होती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पेंडा बनता है। तो ये आप रोटी को तोड़ लेंगे और इसमें डाल के, या जैसे अक्सर घरों में रात की भी रोटियां बच जाती हैं तंदूर की, तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दूध और पानी वगैरह होता तो इसमें नरम पड़ जाती है खुद ब खुद। अच्छा, अब इस स्टेज पर आप बेशक इसको आप चख भी सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये, और नमक बिल्कुल परफेक्ट है, न ज़्यादा है न कम है। तो यही क्वांटिटी अगर रखेंगे आप भी तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। इसको मर्जी आए तो खुश्क कर ले, नहीं तो ये ऐसे शोरबा सा आप इसका छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको खुश्क करना है, मुझे थोड़ा सा खुश्क हुआ हुआ अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये पैन में आपने 3 टेबल स्पून
ऑयल डाला और फिर इसमें एक हरी मिर्च डाल लेंगे, साथ ही साथ आप इसको अच्छे से भगा के प्याज ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, ये देखते हैं ऑयल अच्छे से गर्म है। इसमें एक अदद हरी मिर्च, हाफ ओनियन है और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दूध भी ज़ाहिर है एक ही ग्लास से ज़्यादा तो है नहीं, और पानी भी, और दो रोटियां मैंने ली हैं इसमें डालने के लिए पेंडे में। अच्छा, ये पेंडा जो है ये बनू की जो पश्तो होती है वहाँ कबायली इलाके के लोग इसको पेंडा बोलते हैं और बाज़ लोग इसको सोहबत भी बोलते हैं, अरबी में भी इसको सोहबत भी कहते हैं और है तो ये, और पंजाबी में अक्सर इसको मेरे ख्याल से कल्ला बोलते हैं, पर वो पायों के सालन में होता है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको बोला जाता है, लेकिन ये दूध की कड़ी। अच्छा, इसको कड़ी के तौर पर आप पी भी सकते हैं, जैसे किसी को खांसी ज़ुकाम है तो वो अपने लिए इसको कड़ी को बना के, बेशक इसमें रोटी ना डालें, इसको एक प्याली में या ग्लास में इसको पी भी सकते हैं ऊपर हल्की सी काली मिर्च छिड़क के, और नहीं तो फिर आपने अगर खाना खाना है तो आप बस। ये प्याज हल्के से जो गुलाबी हो गए हैं ये हम इस पर हगार डाल रहे हैं, ये काली मिर्चें हैं कुटी हुई थोड़ी सी, एक दो चुटकी जितनी ये भी डाल दें आप इस पर, और अगर आपको पसंद हो तो इस पर तो कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, और गरम मसाले का पाउडर भी बहुत थोड़ा सा एक चुटकी जैसा वो भी डाल दें, और इसको मज़े ले लेकर खाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।